हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 29 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग आज हिंदी का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आप जा करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, स्टोरीज को अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हमें पैसेज को पढ़ना है, तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। सम्मिति कई पौधों, जंतुओं और यहाँ तक कि पानी जैसे कुछ अणुओं को का भी गुण होता है, लेकिन घोंगे और उसके कुंडलित खोल में यह बात नहीं है। ये कुछ इस तरह असम्मित होते हैं कि इनके दर्पण प्रतिबिंब को इनके ऊपर जमाया नहीं जा सकता। हॉकी स्टिक, कैची और जूतों में भी ऐसा ही होता है। हॉकी स्टिक और कैचियाँ दाएं हाथ से काम करने वालों और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। दक्षिण हस्ती घोंगे का दर्पण प्रतिबिंब किसी वाम हस्ती घोंगे पर ही फिट बैठ सकता है। इस गुणधर्म के पीछे एक इकलौते चीन का हाथ है, जबकि ऐसे शारीरिक लक्षण बहुत कम होते हैं जिन्हें किसी एक जीन के द्वारा चिन्हित किया जा सके। सजीवों के अधिकांश गुणधर्म कई सारे जीन से निर्धारित होते हैं। फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस गद्यांश में किस जीव के गुणधर्म की बात की गई है? नंबर 1 केकड़ा, 2 घोंगा, 3 मेंढक, 4 मछली। तो यहाँ पर बात की गई है घोंगा के गुणधर्म की, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी स्टिक और कैंची के बारे में कौन सी बात उल्लेखनीय है? नंबर 1 दक्षिण हस्ती और वाम हस्ती के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। 2 दक्षिण हस्ती और वाम हस्ती के लिए एक समान बनाई जाती हैं। 3 दोनों के लिए एक समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। 4 दोनों के निर्माण में एक ही उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण हस्ती और वाम हस्ती के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण हस्ती घोंगे का दर्पण प्रतिबिंब किसी वाम हस्ती घोंगे पर ही क्यों फिट बैठता है? नंबर 1 सममित गुण के कारण, 2 तालाबों में रहने के कारण, 3 दर्पण प्रतिबिंब में त्रुटि होने के कारण, 4 असममित गुण के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असममित गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घोंगे के असममित गुणधर्म का क्या कारण है? नंबर 1 घोंगे का छोटा आकार, 2 इसका घुमावदार होना, 3 एक अकेले जीन का होना, 4 इसकी त्वचा का चिकना होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक अकेले जीन का होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश में किन मानव निर्मित वस्तुओं का उल्लेख हुआ है जो घोंगे की तरह असममित प्रकृति की हैं? नंबर 1 हॉकी स्टिक बल्ला जूता, 2 हॉकी स्टिक जूता कैंची, 3 कैंची जूता कुर्सी, 4 हॉकी स्टिक गेंद जूता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉकी स्टिक जूता और कैंची का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से शारीरिक लक्षण बहुत कम होते हैं? नंबर 1 गुणधर्म का अनेक जीव से निर्धारित होना, 2 दाएं हाथ से काम करने की प्रवृत्ति, 3 त्वचा में छिद्र होना, 4 गुणधर्म का किसी एक जीन से निर्धारित होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुणधर्म का किसी एक जीन से निर्धारित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शारीरिक में प्रत्यय यूज हुआ है एक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गुणधर्म शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुण का धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सम्मिति का क्या अर्थ है? सम्मिति का अर्थ क्या है फ्रेंड? असमानता, समरसता, एक रूपता या फिर विषमता। तो सम्मिति का अर्थ हो जाएगा एक रूपता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा काव्यांश आ गया, तो चलिए काव्यांश को करते हैं, फिर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे।
मेढक ने शोर बांधा, चिड़ियों ने चहक खोली, मुश्किल से लोग सुनते थे जिनकी कभी बोली। वह मोर वह पपीहा थकते नहीं हैं जैसे, सुध है कि सुध नहीं है खोए हुए हैं ऐसे। ठंडी हवा ने आकर जब से इन्हें छुआ है, भगवान जाने तब से झाड़ों को क्या हुआ है। पत्ती हर एक भरकर मस्ती में हिल रही है, डाली की आम पाली पीपल से मिल रही है। सूखी पड़ी थी नदियाँ सो भदभदा गई रे, बरसात आ गई रे, बरसात आ गई रे। खिड़की से झांक तो लो ले कैसा हरा भरा है, धरती पे सरग उतरा सा जान पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये काव्यांश था, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्यांश के अनुसार चारों ओर बहुत से परिवर्तन हुए हैं, यह किसके आने के बाद हुआ है। नंबर 1 समुद्री तूफान, 2 बरसात, 3 भीषण गर्मी, 4 हिमपात। तो यह हुआ है बरसात आने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह मोर वह पपीहा थकते नहीं जैसे, कविता के संदर्भ में इस पंक्ति का भाव है। नंबर 1 मोर व पपीहा बहुत ही परिश्रमी जीव हैं, 2 मोर व पपीहा निरंतर श्रम करके भी थकते नहीं हैं, 3 मोर व पपीहा खुशी से लगातार गाए जा रहे हैं, 4 मोर व पपीहे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोर व पपीहा खुशी से लगातार गाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठंडी हवा के द्वारा किन्हें छूने की बात हुई है। नंबर 1 विशालकाय भवनों को, 2 खेत खलिहानों को, 3 ध्वज पताकाओं को, 4 झाड़ों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झाड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, कविता की किन पंक्तियों से आभास हो रहा है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। नंबर 1 डाली की आम बाली पीपल से मिल रही है, 2 बरसात आ गई रे, बरसात आ गई रे, 3 सूखी पड़ी थी नदियाँ सो भदभदा गई रे, और सुध है कि सुध नहीं खोए हुए हैं ऐसे। तो किन पंक्तियों से हवाएं तेज चलने का एहसास हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डाली की आम बाली पीपल से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सरग शब्द का तद्भव रूप है। तो सरग शब्द का तत्स्व रूप हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूखी पड़ी थी नदियाँ सो भदभदा गई रे, यहाँ भदभदा शब्द का अर्थ है। नंबर 1 ध्वनि के साथ भागना, 2 ध्वनि के साथ चलना, 3 ध्वनि के साथ मचलना, 4 ध्वनि के साथ बहना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि के साथ बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पैडागोजी के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है। नंबर 1 कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, 2 कंठस्थ किए गए संवाद को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए, 3 लक्ष्य भाषा के उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, 4 लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अधिगम के लिए कथावाचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 अपने ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, 2 शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, 3 बच्चों को विविध संस्कृतियों का अनुभव देना, 4 कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक पाठ सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उप कौशल को क्या कहा जाएगा। नंबर 1 वैश्विक समझ, 2 स्थानीय समझ, 3 पाठ्य वस्तु को सरसरी तौर पर पढ़ना, 4 पाठ सामग्री की व्याख्या करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ सामग्री की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। नंबर 1 रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें, 2 वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए, 3 कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें, 4 शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो उपयुक्त कार्य होगा वो होगा
कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए नंबर 1 इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, 2 श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है, 3 यह समझ को बाधित करेगा, 4 यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता भाग गणित के अधिगम उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1 एक मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना, 2 कम से कम 2-3 अक्षरों से बने सरल शब्दों को पढ़ना, 3 आयु के उपयुक्त किसी अपठित पाठ सामग्री में से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना, 4 एक मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? नंबर 1 निर्देश प्रत्यक्ष विधि, 2 द्विभाषिक, 3 व्याकरणवाद विधि, 4 कला समावेशित अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्विभाषिक विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण उद्दीपन हैं। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है, उसका यह विचार किससे मिलता है? नंबर 1 पियाजे, 2 चॉम्स्की, 3 स्किनर, 4 बायगोस्की। तो उसका यह विचार मिलता है बायगोस्की से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? नंबर 1 अनुमान लगाना, 2 संपादन, 3 सरसरी तौर पर पढ़ना, 4 बारीकी से पठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है, अध्यापक उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है और अभ्यास व मदद के आधार पर हाथ में आँख समन्वयन बनाने में सहायता करती है, अध्यापक के द्वारा दी गई यह सहायता क्या कहलाती है? नंबर 1 पुनर्वलन, 2 मदद करना इसका फोल्डिंग, 3 अनुकूलन, 4 प्रतिरूपण। तो यह मदद जो कहलाती है मदद करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, मदद करना या इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, 2 प्रविष्टियां कैसे और कब करनी चाहिए, 3 यह कैसा दिखना चाहिए, 4 पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह कैसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है, यह बालिका नंबर 1 आरंभिक पाठक है, 2 कथावाचक है, 3 चित्र पाठक है, 4 पारंपरिक पाठक है। तो यह जो बालिका है यह आरंभिक पाठक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भाषा की अध्यापिका वाक्य के प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है बजाय कि उनके अर्थ समझने पर, वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? नंबर 1 व्याकरणवाद विधि, 2 श्रव्य भाषक विधि, 3 परिस्थिति अनुसार उपागम, 4 संप्रेषणात्मक उपागम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रव्य भाषिक विधि का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? नंबर 1 अतिथ्य सत्कारी परिवेश, 2 निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, 3 औपचारिक परिवेश, 4 स्वाभाविक परिवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वाभाविक परिवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, 2 शिक्षार्थियों का संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, 3 विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए, 4 शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों का संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।